हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग एनसीआर ऑफ द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड इन टूडेस द्वेश्चनिकाथवे तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेस्पिरेटरी पाथवे को हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं क्यों सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है रेस्पिरेशन में हम फूड का ब्रेक करते हैं एनर्जी लिबरेट करने के लिए तो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेकडाउन करते हैं पर बेटा रेस्पिरेशन में, बीच बीच में, दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्टेट भी एंटर करते हैं ताकि उनका डाउन करके एनर्जी लिबरेट की जा सके पर अगर उन सबस्ट्रेट का हमें सिंथेसिस करना हो तो उन्हें बनाने के लिए कंपाउंड्स भी हम रेस्पिरेटरी पाथवे से ही विद्राउंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फैटी एसिड से एनर्जी लिबरेट करनी है तो फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा एसिटाइल को ए में और फर्दर उसका रेस्पिरेशन होगा पर अगर फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करना है तो रेस्पिरेटरी पाथवे से हम एसिटाइल को ए को विड्रॉ कर लेंगे ताकि वो फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज कर सके तो एक ही पाथवे की हेल्प से हम फैटी एसिड का ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं और उसका सिंथेसिस भी कर सकते हैं सिमिलरली प्रोटीन्स केस में भी हो सकता है है, उनका भी ब्रेक डाउन और सिंथेसिस के लिए जो इंटरमीडिएट्स हैं वो हमें रेस्पिरेशन से मिल जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन में भी है और एनाबॉलिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है इसीलिए इसको हम एम्फीबॉलिक बोलते हैं Clear? So answer number nine is since respiration involves breakdown of substrates the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process and the respiratory pathway as a catabolic pathway. At some points in the respiratory pathway different substrates would enter if they were to be respired and used to derive energy. It is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrates. Hence, fatty acids would be broken down to acetyl-CoA before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fatty acids, acetyl-CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence, the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acids similarly during breakdown and synthesis of protein 2, respiratory intermediates form the link breaking down processes within the living organisms is catabolism and synthesis is anabolism because the respiratory pathways involved in both anabolism and catabolism it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than as a catabolic one clear beta to kya ho respiration में एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन भी हो रहा है इसलिए उसको कैटाबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं और रेस्पिरेशन से ही ऐसे इंटरमीडिएट्स हम ले ले रहे हैं जो कि किसी और दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज हो रहे हैं इसीलिए इसको एनाबॉलिक पाथवे भी बोल रहे हैं अब क्योंकि ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो इसलिए इसको बोल दिया एम्फीबॉलिक पाथवे सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू